आज मैं अम्मी की ना दवाइयों वाला डब्बा पेंट कर रही हूँ। अम्मी ने एक चोको चिप बिस्किट्स का डब्बा था जिसके अंदर अपनी दवाइयाँ डाली हुई थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसको एक नई लुक देते हैं। तो मैंने जो एक्रेलिक पेंट्स होते हैं ना उसमें से ये पर्पल कलर जो है मैंने वो ढक्कन के ऊपर लगा दिया। ये थोड़ा वीडियो में ब्लू ब्लू आ रहा है बट इट्स पर्पल कलर। तो डबल कोटिंग की थी पहले, ऊपर से सूख गया तो दोबारा कर दी थी। उसके बाद नीचे वाली साइड पर मैंने पहले ऑरेंज कलर किया, जब वो सूख गया उसके ऊपर एक और ऑरेंज की लेयर लगाई और फिर उसके ऊपर ना एक रेड की लेयर लगाई, तो ये बहुत ही प्यारा कलर बन गया था नीचे। तो ये बड़ी जल्दी से सूख जाते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारा सूख गया था। उसके बाद ऊपर मैंने ऑरेंज कलर से ना यहाँ पर लिख दिया कि अम्मी की दवाइयाँ। तो एक बड़ा क्लासी सी लुक आ जाती है ना, बड़ा प्यारा सा डब्बा बन जाता है, बड़ा मुख्तलिफ सा। तो ये यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर से बिल्कुल जो लाइनर ब्रश होता है ना उससे अम्मी की दवाइयाँ लिख दी यहाँ पर। और इसको मैंने जितनी देर ये सूख रहा था ना बस उसके साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा नीट करती जा रही थी जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था कि थोड़ी फाइन डिटेल्स होने वाली हैं। तो यहाँ से ना सारा अच्छी तरीके से ब्रश से मैंने इसको सेट कर दिया था। मेरी को उर्दू की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश किया कि मैं इसको लिख सकूँ जितना अच्छा हो सके। तो यहाँ पर मैंने बस यहाँ पर ये लिख दिया है और इसको ना मैंने रख दिया था तकरीबन आधा घंटा सूखने के लिए कि ये अच्छी तरह से सूख जाए। तो इसके ऊपर फिर मैंने एक लाइनिंग करनी थी और यहाँ पर मैं ना स्मथ बोर्ड लगा रही हूँ कॉटन पैड से, और उसके ऊपर मैंने ना सितारे लगा दिए हैं गोल्डन। तो कॉटन बेड से मैंने स्मथ बॉन्ड इसलिए लगाई है ताकि ना वो फैले ना। तो यहाँ पर मैंने ये देखे स्मथ बॉन्ड से सारे इस तरह से लगा के इसके ऊपर मैंने ना सारे सितारे लगा दिए हैं गोल्डन। और ये इतना प्यारा देखें बिल्कुल डिफरेंट सा जो है ना डब्बा लग रहा है, और वो जैसे बाजार में ना ट्रक आर्ट वगैरह वालों ने रखे होते हैं ना उस तरह की चीज़ बन गई है। तो यहाँ पे मैंने सारे सितारे लगा दिए, जितनी देर मैंने सितारे लगाए ना उतनी देर अंदर वाला पेंट भी सूख गया था। तो उसकी सारियों पे फिर मैंने लाइनिंग कर दी, कोपर गोटा कोन होती है उससे मैंने इसकी सारी लाइनिंग कर दी कि ज़रा ये ना थोड़ा शाइनी भी हो जाए और प्रोमिनेंट भी हो जाए। तो बस ये यहाँ पर ये हो गई, ये लाइनिंग थोड़ी सूखने में टाइम लगाती है। तो ये देखें जी ये रेडी हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है और इतना ही ट्रेंडी और क्लासी सा लग रहा था, बिल्कुल डिफरेंट सा। और जो है आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह, अगर आपके घर में भी कोई पुराना बॉक्स पड़ा हुआ है या जिसको आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर पेंट करके ज़रूर देखिएगा, वो बड़ी अच्छी सी एक लुक क्रिएट हो जाती है और वो पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है। खा ली है बस सेवियां भी खा ली हैं, थोड़ी सलाटियां खा ली हैं, चावल भी खा ली हैं, तो पेट भरा। ये देखें जी रेडी हो गया, अम्मी को बहुत पसंद आया ये।